किस हिसाब से लोग मजे भी ले रहे हैं। अच्छा, मजा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? देखिए लोग मजे भी इसमें ले रहे हैं। किस प्रकार से कचरा फैला हुआ है, स्वच्छ भारत देख लीजिए आप। मोहम्मदपुर का ओवर ब्रिज स्वच्छ भारत, सबसे बड़ी चीज है। देखना चाहिए स्वास्थ्य विभाग को कितनी बड़ी बीमारियां यहाँ से फैल सकती है। इस हिसाब से नाला बनाते हैं कि बाहर का पानी बीच बाजार में आ जाता है। सरकार को तो गोल्ड मेडल दे देनी चाहिए। गोल्ड मेडल? जी गोल्ड मेडल, ऐसे इंजीनियरों को। जी जी बिल्कुल, ताकि जो काम कर रहे हैं कार्य एक तरह से एकदम बहुत बड़ी कार्य कर रहे हैं। अब क्या कहे, हम छोड़िए आप तो खुल के बोल दीजिए, जनता इंतजार कर रही है, खुल के बोलिए। माला किस चीज का फैलाएंगे, छोड़िए अशब्द मत बोलवाइए, आपसे अशब्द ना बोलवाएंगे। ना, हम अशब्द नहीं बोलना चाहते। इधर का तो कोई कुछ नहीं हुआ, जब से पुल बना है तब से। आलोक कुमार सुमन जी कहते थे कि पूरा गोपालगंज में पूरा विकास हुआ। कहाँ विकास हुआ, देख नहीं रहे हैं? विकास के मारे ऐसे ही पानी हर साल पूरा जमा रहता है, हर साल ठेन ठेन और पानी रहता है। मजे में है, हम लोग नीचे पूरा एकदम नदी बह रहा है, पर लोग को आने में दुकान में इतना परेशानी हो रहा है कोई जगह। नमस्कार, जय हिंद, आप देख रहे हैं फर्स्ट हिंदुस्तान न्यूज चैनल और मैं हूं प्रवीण। आपको बता दें कि अभी हम मौजूद है गोपालगंज जिला के मोहम्मदपुर में, और आप जो नज़ारा देख पा रहे हैं ये नज़ारा कोई बाढ़ नहीं आया है, ये सिर्फ है बारिश का पानी। और बारिश का पानी के वजह से कहा जाए तो आज कल अब शुरुआत हो चुका है कि बिहार के इंजीनियरों को अवार्ड देना शुरू कर देना चाहिए, और उस स्तर पर अवार्ड देना शुरू कर देना चाहिए कि जिस पानी को निकालने के लिए नाला का जो लेवल है उसको मार्केट से आउट की तरफ करना चाहिए थे, मार्केट से इन की तरफ किया गया है। यानी कि कहा जाए तो मार्केट से बाहर पानी नहीं निकलता इस नाले का, इस नाले का पानी जो है मार्केट में आकर के जमा हो जाता है। हालांकि यहाँ के दुकानदारों से जानने की कोशिश करेंगे। अब इसके बाद जो पानी भर गया है, दुकानदारी चल रहा है आप? ना, एकदम बैठकी चल रही है। सबसे बड़ी बात है कि पानी इतना लगा हुआ है कि कोई भी ग्राहक आने के लिए नहीं चाहता है। कोई भी ग्राहक आने के लिए नहीं चाह रहा है। ना कोई काम हो रहा है। इधर बगल में गैरेज है, गैरेज में भी जो है गाड़ी नहीं आ पा रही है पानी की वजह से। पानी की वजह से जी। अच्छा, एक चीज हमको बताइए, नाले का जो लेवल है वो किस तरह से है? क्योंकि हमको तो लोग कह सकते हैं कि ये झूठ बोल रहे हैं। आप धरातल पे, आप यहाँ पे क्या कर देख रहे हैं? नाला का लेवल जो है उधर से ला करके यहाँ पे ढलाव कर दिया। आगे दिखा दीजिए जरा, कैमरामैन से कहिए उनको आगे दिखाने के लिए। यहाँ पे ला के छोड़ दिया गया है। अब बताइए, उधर से पानी ला करके और यहाँ पे गिर जा रहा है पानी वहाँ। अच्छा, बीच मार्केट है, पानी आकर के जमा होता है, इस पानी का निकलने का कोई साधन नहीं? कोई साधन नहीं, निकासी कहीं से नहीं है पानी का। पानी बल्कि और ला करके यहाँ पे जो है नाला गिरा दे रहा है, और पानी गिरा दे रहा है, पानी गिरा दे रहा है उधर। ये रहा बिहार के इंजीनियरों को कहा जाए तो अवार्ड, कौन सा अवार्ड देना चाहिए उनको, किस हिसाब से पुरस्कृत करना चाहिए कि इस हिसाब से नाला बनाते हैं कि बाहर का पानी बीच बाजार में आ जाता है। सरकार को तो गोल्ड मेडल दे देनी चाहिए। गोल्ड मेडल? जी गोल्ड मेडल, ऐसे ऐसे इंजीनियरों को। जी जी बिल्कुल, ताकि जो काम कर रहे हैं कहा जाए तो एक तरह से एकदम बहुत बड़ी कार्य कर रहे हैं लोग। बिल्कुल, बहुत बड़ी काम है। अच्छा, कि बाहर से पानी ला करके मार्केट में छोड़ दे रहे थे, तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। कहीं ये लोग इंजीनियर जो है ये पढ़ लिख करके बने होंगे कि ये खरीदे हुए डिग्री से होंगे? अब ये तो जो है मैंने डिग्री लेके आए होंगे, जो भी इंजीनियर आए हैं खरीदे हुए डिग्री लेकर के आए होंगे। अब चाहे जैसे भी डिग्री लाए हो, जैसे भी डिग्री लाए। अच्छा, जो काम उनका दिख रहा है किस हिसाब का डिग्री का काम आपको दिख रहा है? ये तो काम तो बढ़िया डिग्री का, पढ़े लिखे की डिग्री का तो नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है जी, खरीदा हुआ डिग्री का। बिल्कुल, चलिए हम आपको चल करके आपको पानी का नजारा दिखाते हैं कि पूरा मोहम्मदपुर में कहा जाए तो बाढ़ आ चुका है। और देखिए गाड़ी किस प्रकार से आ रही है और जा रही है, यानी कि आपको लाइव प्रूफ दिखाते हैं। और पानी पूरा तरीका से लग गया है, और पानी में आप आइए और पानी का मजा लीजिए। लेकिन एक बात और आपसे बता दें कि मजा लेने के साथ साथ उन इंजीनियरों को अवार्ड भी दीजिए कि देखिए इस नाला से पानी बाहर जाना चाहिए तो इस नाला से पानी आ रहा है। और ये नाला जो है कहा जाए तो बिहार के वह इंजीनियर बनाए होंगे जो कि घूस दे करके, पैसा दे करके अपना कहा जाए तो कंस्ट्रक्शन के लाइन में न जाने कहां कहां से आ जाते हैं ये लोग, और किस धरती से आते हैं न जाने कहाँ से आते हैं। और ये चीज़ आपको सिर्फ और सिर्फ बिहार में ही देखने के लिए मिलेगी। और हम आपको और चीज़ें दिखाने के प्रयास, देखिए किस हिसाब से लोग आ रहे हैं, किस हिसाब से गाड़ी आ रही है, देख रहे हैं आप सामने जो नज़ारा आप देख पा रहे होंगे कि देखिए कितना पानी लगा हुआ है, और काफ़ी लोगों को आने जाने में समस्या हो रही है। यहाँ के दुकानदार लोगों से, चलिए इन लोगों से भी जानने के प्रयास करते हैं। ये आपका जो खाना है कितना बर्बाद होगा आज? कहाँ भी सब तो बर्बाद हो रहा है।
कितना बर्बाद हो जाएगा, कितना गलत केवल 1500 का रोज बर्बाद हो रहा है। 1500 मतलब वो अनाज बर्बाद हो रहा है जिस अनाज को उगाने के लिए किसान को कई महीनों मेहनत करना पड़ता है, और अब की बार जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा बारिश ना होने के कारण से कई सारे फसल जो है बर्बाद हो गया था, लेकिन थोड़ा सा ही बारिश आ रहा है। और ये नाला का जो बनावट आपको हम बता दें एक बार और कि ये पानी जो है बीच मार्केट से लेकर के बाहर नहीं जाता है, जबकि ये बाहर का पानी लाकर उधर से पानी इधर आता है। ऐसे ऐसे इंजीनियरों को तोहफा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? हाँ, देना चाहिए तो है? अच्छा, बिहार सरकार को क्या कहेंगे, नीतीश कुमार को क्या कहेंगे? नाला बन गया, नाला का उसको उधारे नहीं है तो अच्छा, अगर ये शायद इलेक्शन के समय में अगर बारिश आया होता और यहाँ पे बारिश का पानी लगा होता शायद कुछ काम हो सकता था। लेकिन अब आप लोगों को कहा जाए तो लंबा इंतजार करना पड़ेगा। चलिए, और भी लोगों से आपको बात करके दिखाएंगे और भी चीजें दिखाने का प्रयास करेंगे। और कैमरामैन चाहेंगे एक बार संभल के आइएगा। ये देखिए बस का हालत देखिए, पूरे आधी पानी में डूब चुका है। नहीं भीगेगा, और भीगेगा तो कोई बात नहीं। देखिए किस हिसाब से लोग मजे भी ले रहे हैं। अच्छा, मजा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? देखिए लोग मजे भी इसमें ले रहे हैं, लेकिन सबसे दुख वाली बात है कि इतना पानी भर जाता है थोड़ा सा ही बारिश होने के बाद से पानी पूरा। और कहा जाए तो इस ये जो पानी है बहुत ही गंदा पानी है, और इस पानी से कई सारे लोगों का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, लोग इस पानी में गिर सकते हैं, कई सारे लोग गिरे भी होंगे। और भी लोगों से जानने का प्रयास करें कि ऐसा पानी में वो लोगों को कैसा लग रहा है, क्योंकि ये पानी जो है कहा जाए तो लोगों के स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हानिकारक है। और कहा जाए तो मोहम्मदपुर में ये पानी भर चुका है, और देखिए यहाँ के स्थिति हम आपको दिखा दें कि जो भी नाला का पानी है यहाँ से बाहर नहीं बल्कि बाहर से पानी यहाँ पर ला करके निकासी कर देता है। और आपको सबसे बड़ी बात बता दें कि ये गोपालगंज जिला है, और गोपालगंज जिला के मोहम्मदपुर मार्केट है, ये मोहम्मदपुर मार्केट है। और यहाँ पर कहा जाए तो आपको फिलहाल के लिए बता दें तो वही गोपालगंज जिला है जहाँ से आलोक कुमार सुमन सांसद जीत करके अभी आए हुए हैं, और 5 साल पहले रहे हैं तो बहुत अच्छा विकास किए हैं, और ये विकास आपको जो कि सामने दिख रहा होगा। हालांकि यहाँ से लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे तो कैसे हैं भैया? देख नहीं रहा है कितना मजे में हम लोग, नीचे पूरा एकदम नदी बह रहा है, ऊपर लोग को आने में दुकान में इतना परेशानी हो रहा है कोई जवाब नहीं है। कस्टमर आ रहा है ना? कस्टमर कहाँ आ पा रहा है, इसमें जिसको ज्यादा इमरजेंसी है वैसे आ रहा है, जिसको ज्यादा इमरजेंसी आ रहा है। अच्छा, एक चीज हमको बताइएगा, यहाँ पे आलोक कुमार सुमन जी कहे हैं कि बहुत विकास किए हैं गोपालगंज में, ये विकास धरातल पे दिख रहा है? पिछले बार जीते थे तो एक बार देखने भी नहीं आए थे, तो फिर अब की बार जीते हैं तो कहाँ से आएंगे? आएंगे तब ना देखेंगे कि हाँ क्या। अच्छा, जीत कैसे जाते हैं अब ये बताइए, सबसे बड़ी सवाल है ये, जीत कैसे? भाजपा के मोदी जी के नाम पे जीत जाते हैं, काम करे चाहे ना करे मोदी जी के नाम पे जीत। अच्छा, मोदी जी के नाम का लोग गलत फायदा नहीं उठा रहा? उठाइए रहा है, मोदी जी के नाम का लोग गलत फायदा उठाइए रहा, मोदी जी के नाम पे लोग जीत जाता है और काम धरातल पर खुश नहीं। बस टिकट मिल गया भाजपा से, जीत गया उसके बाद। अच्छा, कभी इधर आलोक कुमार सुमन घूमने आए हैं कि नहीं, देखने आए हैं कि नहीं कभी? एको बार, इसके पहले 5 साल थे तो एको बार हम देखे नहीं किए हैं कबो की इधर आए हैं। अब की इलेक्शन में एकाध दिन इलेक्शन के पहले लोग दिखाई दिए, उसके बाद नहीं दिखाई, उसके बाद नहीं, अब सीधा सपा चट। अच्छा, बिहार में आप किस किस सरकार चाहते हैं? बिहार में सरकार ठीक है भाई, बीजेपी का सरकार हो, लेकिन व्यवस्था थोड़ा सा अलग होना चाहिए, अलग होना चाहिए। चलिए, सबका राय है, और देखिए कितना अच्छा विकास हुआ है धरातल पे, हम आपको भी दिखाने का प्रयास करते हैं और लोगों से जानने का प्रयास करते हैं। देखिए किस प्रकार से पानी भर चुका है और यहाँ के लोगों में आने जाने कितनी समस्याओं, कितनी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और हम आपको और भी लोगों से मिलवाते हैं और भी चीज़ का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये मोहम्मदपुर है, और मोहम्मदपुर से आप लोगों ने देखा था कि एक पिछला वीडियो जो हम लोगों ने इलेक्शन के समय बनाया था तो उस समय काफ़ी लोगों ने कहा था कि सरकार का सपोर्ट करने का, लेकिन देखिए सपोर्ट करने का नतीजा देख लीजिए, आपको सामने दिख रहा है। आलोक कुमार सुमन से लोग यहाँ पे संतुष्ट नहीं है, सांसद महोदय से यहाँ पे संतुष्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कहा जाए तो पूरा का पूरा पानी लग चुका है, और यहाँ का लेब जो यहाँ की रोड है वो फर्स्ट क्लास है। देख आप चारों तरफ से रहे होंगे किस प्रकार से कचरा फैला हुआ है, और भी लोगों से हम जानने का प्रयास करते हैं और बात करने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से उन लोगों की दुकानदारी चल रही है और कैसा लग रहा है।
लेकिन सबसे बड़ी बात देखिए किस प्रकार से कचरा फैला हुआ है। स्वच्छ भारत देख लीजिए आप, मोहम्मदपुर का ओवर ब्रिज स्वच्छ भारत, सबसे बड़ी चीज है। देखना चाहिए स्वास्थ्य विभाग को कितनी बड़ी बीमारियां यहाँ से फैल सकती है। चाचा यहाँ पे पानी निकलने का कोई साधन नहीं है? कहाँ कोई साधन है, नाला है ही नहीं, कैसे हो? नाला भी है तो पानी ले जाने के बजाय और लेके आ रहा है उधर से पानी। नलवा भर गया है, नाला है तो नाला कमयाब नहीं है, नाला यहाँ पर कमयाब नहीं है, जो पानी इस पर जमता है इसी तरह रहता है। अच्छा, लोग वोट देने के लिए लोग सरकार को वोट देते हैं, बोलते हैं विकास हुआ है, कितना विकास हुआ है? यहाँ पूरा कचरा फैला हुआ है, यहाँ पर पूरा कचरा है, पूरा कचरा है। मोहम्मदपुर पूरा कचरा, मोहम्मदपुर मोड़ जो है पूरा कचरा में तब्दील हो गया। हाँ, पूरा कचरा में तब्दील है। अच्छा, यहाँ पे विकास हुआ है कि नहीं हुआ? और विकास हुआ है लेकिन इधर का तो कोई कुछ नहीं हुआ है, जब से पुल बना है तब से। आलोक कुमार सुमन जी कहते थे कि पूरा गोपालगंज में पूरा विकास हुआ, कहाँ विकास हुआ है? देख नहीं रहे हैं, विकास के मारे ऐसे ही पानी हर साल पूरा जमा रहता है, हर साल ठेउन ठेउन और पानी रहता है। दूसरा टर्म स्टार्ट हो गया है, शुरू हो गया है दूसरा टर्म, सांसद बने हैं दूसरी बार भी और कहे हैं कि गोपालगंज में पूरा विकास किए हैं, और विकास नहीं हुआ, देख नहीं रहे कितना विकास हुआ है। ये तीन महीना पानी ऐसा ही रहेगा, ऐसा बरसात होगा ऐसा ही रहेगा, ना पानी बहेगा ना कुछ होगा, ऐसा ही लोग। ग्राहक आ रहे हैं कि नहीं अब इस दुकान पे? कहाँ से आएंगे पार्क में ग्राहक? नहीं आएंगे कहाँ से आएंगे पार्क में ग्राहक? कोई सफाई नहीं तो कहाँ से आएंगे पार्क में? देख नहीं रहे पूरा पानी का, भूखे मरने के कगार पे पहुँच गए। हाँ, भूखे मरने के तो कगार है, क्या कीजिएगा। और लोग दावा करते हैं कि बिहार में बहुत विकास हुआ, इतना ज्यादा विकास हो गया है ना बिहार में, आपको बता दें कि लोग यहाँ पे भूखे मरने के कगार पे पहुंच चुके हैं, और भी दुकानदार से यहाँ से जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आप लोग दुकान पे देख रहे होंगे कस्टमर दुकान में नहीं है। आइए और लोगों से बता दें आपको कि किस प्रकार से यहाँ के लोगों को दिक्कत सामना करना पड़ रहा है। भैया, आप यहाँ पे विकास हुआ है कि नहीं हुआ है, आप एक बार अपने शब्दों में बताने का प्रयास कीजिए। विकास आप देख ही रहे हैं, क्या विकास है? देख ही रहा है। हाँ, तो उसमें क्या है? अच्छा, ऐसे ऐसे इंजीनियरों को क्या कहना चाहिए, क्या कहेंगे? और आपको माला पहनाने का मौका मिले तो ऐसे इंजीनियर को क्या माला पहनाइएगा जो कि नाले का बहाव ही उल्टा कर दे रहा है, मार्केट से पानी बाहर जाने के बजाय अंदर आ जा रहा है। इसमें तो डिपार्टमेंट को ना देखना चाहिए। अच्छा, अगर आपको माला पहनाने का मौका दिया जाए तो कौन सा माला आप सुटेबल करेंगे उनके लिए? देखिए, माला का बात नहीं है, नहीं देखिए, डिपार्टमेंट को कंसर्न रहना चाहिए कि किस तरीके। आलोक कुमार सुमन कह रहे थे कि गोपालगंज में पूरा विकास हुआ है, क्या यही वो विकास है? अब आलोक कुमार सुमन जी से पूछिए। अच्छा, आपको कैसा लग रहा है, आलोक कुमार सुमन विकास किए हैं गोपालगंज? देखिए, पर्सनली हम उनको जानते नहीं है, चलिए कुछ लोग तो उनको यहाँ पर जानते भी नहीं है। आप क्या कहना चाहिएगा इस कीचड़ के बारे में और इस पूरा मार्केट के बारे में? और यहाँ पे पूरा कहा जाए तो उधर पूरा पानी लगा हुआ है, कहा जाए तो कहीं भी कोई गिर सकता है, चोट लग सकता है। तो पहले बार आए हैं और पहले बार यहाँ पे। अच्छा, आप कहाँ कराने वाले? गोपालगंज के? गोपालगंज के पास छोटे हथुआ के, हथुआ कराने वाले। और आलोक कुमार सुमन जी से क्या कहिएगा जो कि यहाँ के सांसद हैं और उन्होंने कहा है कि गोपालगंज पूरा विकास हुआ है? पानी लगा है वो अलग बात है, ढलाई वलाई तो हुआ ही है, सब तो हुआ ही। दूसरा टर्म जीते हैं, वो कचरा जिस हिसाब से आप देख रहे हैं स्वच्छ भारत लोग कह रहे हैं, कचरा कितना लगा हुआ है वहाँ पर, कचरा आप देख कर, वो भी बीच मार्केट में, कचरा बीच मार्केट है, पानी लग जाना, क्या ये यही विकास है वो कि कचरा लग जाना? नगर परिषद की जिम्मेवारी है कुछ करना चाहिए, मतलब। अच्छा, ये संतुष्ट हैं कि नहीं आप आलोक कुमार सुमन से? तो नहीं कर, इलेक्शन बीत गया है, अब आपको लोग वोट काटवा नहीं कहेगा, टेंशन फ्री होकर खुल करके कहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत नहीं है। क्या वजह है कि आप उनको ठीक कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी या नीतीश कुमार? नरेंद्र मोदी मतलब मजबूरी में रखना पड़ा। अच्छा, वैसे इंजीनियर को क्या कहिएगा जो कि नाला का पानी जो है बाहर जाने के बजाय वो नाला का ढलाव किस तरफ से और पानी उधर से लेके आ रहा है मार्केट में? और वैसे इंजीनियर को माला पहनाने का मौका मिले तो आप किस चीज का माला पहनाइएगा? तो इंजीनियर की गलती है, क्या क्या चीज का माला पहनाइए? क्या रे, किसी के साथ दुर्व्यवहार थोड़े किया जाएगा, दुर्व्यवहार नहीं किया जाएगा। मतलब आप ही समझ रहे हैं कि क्या कहना है, लेकिन खुल के कहना है। चलिए और लोगों से जानने का प्रयास करते हैं।
अच्छा भैया कैसे हैं आप? ठीक है। ठीक है, यहाँ पे कैसा लग रहा है कचरा का पानी जो लगा हुआ? बहुत खराब लग रहा है, नीमन थोड़ी लग रहा है, बहुत खराब लग रहा है। दुकानदारी कैसे चल रही है? बहुत परेशानी है, दुकानदारी कहाँ चल रहा है? नहीं चल रहा ना, कस्टमर आ ही नहीं रहा इधर, पानी देख करके कस्टमर दूसरे रास्ते से निकल जा रहा है, निकल जा रहा है, साइकिल मोटरसाइकिल लगाने के लिए रास्ता। आलोक कुमार सुमन जी कहते थे गोपालगंज में बहुत विकास हुआ, क्या वही यही विकास है? अब देख लीजिए आप भी, विकास होता तो यहाँ। आलोक कुमार सुमन से संतुष्ट है कि नहीं? हम लोग तो संतुष्ट है, वोट तो उन्हीं को करते हैं। वजह क्या है वो जो अब हम तो नहीं बताएंगे भैया, खुल के बताइए। वोट का समय नहीं है, आपको लोग वोट का एजेंट नहीं कहेगा, आपकी जो परेशानी और परेशानी को देखते हुए आप खुल के बताइए। बहुत लोग बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को ऐसे जीत जाते हैं। नहीं, उन लोगों तो वोट हम करते हैं, नरेंद्र मोदी को भी वोट करते हैं। हाँ, आलोक कुमार सुमन यहाँ से बहुत फुल बहुमत से जीते हैं इस बार। तो क्या यही विकास को ऐसे जीते हैं क्या? हम उनसे कहेंगे कि इस पे थोड़ा ध्यान दे, बनवाए नाला वाला हो गया नाला। अच्छा, वैसे इंजीनियर को क्या कहिएगा जो नाला का जो वहाँ पे आप सामने देख पाते हैं, वो नाला का जो पानी है बाहर नहीं ले जाता है मार्केट से, बल्कि मार्केट में ही बाहर का पानी ला रहा है। चारी कोर का नाला यही पे पानी छोड़ रहा है, चारी ओर का नाला, बाहर पानी का नाला है, चारी ओर से पानी लगी, बस बस यही पे आ रहा है। अच्छा, वैसे इंजीनियर को अगर माला पहनाने का मौका दिया जाए तो आप किस चीज का माला पहनाइएगा? अब क्या कहे, हम छोड़िए, अब तो खुल के बोल दीजिए, जनता इंतजार कर रही है, खुल के बोलिए। माला किस चीज का पहनाएंगे? छोड़िए, अशब्द मत बोलवाइए हमसे, अशब्द ना बोलवाइए, ना हम अशब्द नहीं बोलना चाहते। अच्छा, एक चीज बताइए कि यहाँ पे अगर अभी अगर वोट का समय होता तो शायद पानी कचरा नहीं था? नहीं लगता, ये तो बात सही है। मौसम ने भी आपके साथ दगाबाजी की है, अगर इलेक्शन के चुनाव के पहले अगर वर्षा होता और पानी आया होता तो शायद ये नज़ारा कुछ अलग होता। अलग होता, चुनाव के समय तो ये सब पुल के नीचे जो भी दुकानदार है ठेला वगैरह सब रहता है, सब कुछ हटा दिया जाता है, हटा दिया जाता है। हाँ, पूरा क्लीन रहता है, यहाँ पे पुलिस तैनात रहता है। चुनाव बीतते अब सब लोग अपने अपने काम में है, सब अपने अपने काम। हाँ, इस पे किसी का ध्यान नहीं है, चाहिए, बहुत परेशानी है। चलिए, तो हम आपको ग्राउंड से दिखा दें कि आप जैसे कि देख पा रहे हैं कि पूरा किस प्रकार से पानी भरा हुआ है, और मोहम्मदपुर कहा जाए तो बाढ़ में तब्दील हो चुका है। और आप जो भी दर्शकों चाहेंगे, देखिए एक बार कितना पानी लगा हुआ है, कितना कचरा लगा हुआ है। आप सभी दर्शकों चाहेंगे कि एक बार इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद, जय बिहार।